नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC जो कि एक बेहतरीन शेयर है, चलिए हम आपको चार्ट पर दिखाएंगे कैसे हम टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कि कौन सा शेयर बेहतरीन है, कौन सा शेयर बेहतरीन नहीं है। तो आप टेक्निकल चार्ट पर देख करके उस कंपनी के बारे में हर चीज इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं, चाहे आप कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके रिजल्ट के बारे में जानते हैं या नहीं। तो यहाँ पर चार्ट पर हर चीज रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए कंपनी लिस्ट हुई थी, इसका जो IPO लिस्ट हुआ था 600 रुपये से ऊपर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग मतलब वो जो जिस दिन हुआ था ये 300 रुपये का IPO था और 600 रुपये पर लिस्ट हुआ। देख सकते हैं 600 से भी ऊपर लिस्ट हुआ था, थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ और फिर यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रैली, यहाँ पर रैली देखते हैं काफ़ी ज़बरदस्त था, वहाँ से थोड़ा सा कंसॉलिडेट हुआ, ये कंसॉलिडेट किया। यहाँ पर देखते हैं ये कंसॉलिडेशन था टाइम वाइज, एक टाइम वाइज करेक्शन और एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन। टाइम वाइज होता है उसी प्राइस पे टाइम को देखते हैं एक्सपेंड करता रहा, टाइम स्पेंड करता रहा और यहाँ से धीरे 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 उठना शुरू हुआ। यहाँ से देखते हैं काफ़ी तेजी इसमें देखने मिला, यहाँ से तेजी फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसॉलिडेट हुआ और यहाँ से जो तेजी आया तो देखते हैं ये 1500 रुपया से 2000 रुपया तक पहुँच रहे हैं, मात्र 3 दिन का वक्त लगाया। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो ये था हमारा 18 फरवरी, ये देखते हैं 19 फरवरी और ये देख सकते हैं 20 फरवरी। 3 दिन में ये 1500 से 2000 के करीब पहुंच गया। तो इतना बेहतरीन शेयर था ये जो हमारा पैंडमिक है उससे पहले, पैंडमिक से पहले हर कोई इसे खरीदना चाहता था, हर कोई खरीदना चाहता था। यहाँ पर अगर आपको हमने चार्ट में वॉल्यूम नहीं लगाया, अगर वॉल्यूम आपको दिखाएंगे तो यहाँ काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम आया है और हर कोई उससे पहले इस स्टॉक को खरीदना चाहता था, क्योंकि यह स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ जो था 8 जनवरी को ये मात्र था 893 रुपये और यहाँ पर आप देखते हैं कि 24 फरवरी को ये बन गया 2000 रुपये का, मतलब कितना का दिया 150% का रिटर्न मात्र एक से डेढ़ महीने में 150% का रिटर्न। तो दोस्तों इतना बेहतरीन रिटर्न, इतना गजब का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने मात्र एक से डेढ़ महीने में। और वहां से जो गिरावट आया ये पैंडमिक के कारण गिरावट है, क्योंकि जैसे अनाउंस हुआ पैंडमिक कारण की जो ट्रेनें हो वो क्लोज होगी, ट्रेनें बंद होगी, तो इस कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, जिसके कारण तो कंपनी के बिजनेस बंद होने से कंपनी के प्रॉफिट में जो लॉस होगा, कंपनी को जो लॉस होगा वह सारा का सारा इस चार्ट में एडजस्ट हो गया। तो कैसे हम पता करते हैं टेक्निकल चार्ट से कि पैंडमिक आया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वन डायरेक्शनल गिरावट है इसमें, मतलब जो गिरावट होती है कभी आप देखते हैं जैसे शेयर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर जो गिरावट था ये वन डायरेक्शनल था, एक ही डायरेक्शन में गिरावट था। तो इसी से हम पता करते हैं कि यहाँ कोई ना कोई इसमें या तो बहुत बुरी न्यूज होगा, कोई ना कोई पैंडमिक होगा। तो यहाँ टेक्निकल चार्ट पर जो कि रिफ्लेक्ट होता है इस पैंडमिक में, ये स्टॉक्स डायरेक्ट जो है 2000 से आगे कितना पर 800 के आसपास, और 800 के आसपास आने के बाद ये फिर से यहाँ से रिकवरी दिखाता और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है देख सकते हैं ये क्या है, टाइम करेक्शन, इसमें टाइम करेक्शन हो रहा है। जिस दिन से न्यूज आ जाएगा, जिस दिन आपको न्यूज आ जाएगा कि जो ट्रेन है वो जनरल रूप से चलेगी, जो भी ट्रेन है वो आम रूप से चलेगी, जितनी भी ट्रेनें हैं मतलब जो टिकट है वो आम रूप से बुक होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुका है, ट्रेन भी नॉर्मल रूप से चलेगा, जो पैसेंजर है वो एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मल रूप से जाएंगे, तो आपको ये जो स्टॉक्स है फिर उसी रूप से भागता हुआ दिखेगा। क्योंकि जैसे खबर आया तो इनका जो बिजनेस है वो पहले दिन से प्रॉफिटेबल है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका जो बिजनेस है इस कंपनी का पहले ही दिन से प्रॉफिटेबल है। तो पहले दिन से प्रॉफिटेबल है तो पहले ही दिन से न्यूज आएगा और ये स्टॉक्स भागना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको SIP अब स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट किए हैं पहले से तो आपको जो है इसका जो नीचे का प्राइस है ये देखते हैं, ये इसका लोवेस्ट प्राइस है जो कि है 1315 रुपीज़, 1315 रुपये इसका लोवेस्ट प्राइस है, मतलब अभी यहाँ पर जो करेक्शन दिखा रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मतलब इसके नीचे जो 1315 रुपये है इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको अपना रखना है और अभी पोजिशन आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। और थोड़ा सा गिरावट में कभी भी मिलता है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म होता है या कहें जो पर्सनल ट्रेडिंग होता है, इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको जब तक ये रिटर्न दे रहा है, जब तक ये मोमेंटम आपको दे रहा है, तब तक इन्वेस्टेड रहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ट्रेल मतलब ऊपर बढ़ाते चलिए।
तो यहाँ पर आप जैसे इन्वेस्ट करेंगे आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो इसका जो लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ पर इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस को रखते हुए इसमें आप लगातार इन्वेस्ट करते चलिए, और जैसे आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है तो एग्जिट हो जाइए। अगर ऊपर के मोमेंटम दिखाता है तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलिए। तो कुछ इस तरह से हम टेक्निकल चार्ट के माध्यम से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो डिफरेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूज़ क्या है, IRCTC रिजर्वेशन टिकट बुकिंग फॉर 80 न्यू ट्रेंस बिगिंस टूडे। तो यहाँ देखते हैं आज का ये न्यूज़ है, 80 ट्रेंस नया चलेगा और 12 सितंबर से ये ट्रेन चलेगी, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद IRCTC का जो दूसरा बैड न्यूज़ है जिसके कारण इसमें आपको कोई रिस्पांस देखने नहीं मिला कि 12 तारीख से इसके 80 ट्रेन नया चलेगी, इस पर कोई मूवमेंटम नहीं देखने मिला। उसका कारण है कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है, देखते हैं 25 करोड़ लॉस दिखाया है कंपनी का जो रिजल्ट है 25 करोड़ लॉस में है, इसी कारण आपको IRCTC के शेयर में कोई मूवमेंटम देखने नहीं मिला। तो दोस्तों ये सारी बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हम आपको अपने चैनल पर बताते रहते हैं, तो IRCTC भी एक बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के माध्यम से और कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या होना चाहिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार इंक्रीज होना चाहिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज होना चाहिए, और कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनी काफ़ी बेहतरीन होती है। और टेक्निकल चार्ट पे हर चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, आप टेक्निकल चार्ट के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर IRCTC के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए IRCTC का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी का बिजनेस, इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस, ट्रेवल टूरिज्म का, और रेल नियर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो चार बिजनेस है, चारों पूरी तरह से बंद है क्योंकि ये चारों बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इस पैंडेमिक में। अब टिकटिंग और हॉस्पिटलिटी इसका कारण क्या है, लोग तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हैं, जब ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं तो जो कैटरिंग है ये सारी बिजनेसेस बंद हो गया, टिकटिंग जो है उसका भी बिजनेस बंद हो गया, ट्रेवल टूरिज्म में जाएंगे नहीं, और जब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे तो जो रेल नीड वाटर है इसका कहां से वो सेल होगा। तो सारी बिजनेस बंद होने के कारण IRCTC के शेयर में आपको कोई मूवमेंटम देखने नहीं मिला है। जैसे ये पहले ही दिन से जैसे स्टार्ट होती है तो इसके शेयर के प्राइस में मूवमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा कि IRCTC में आपको क्या निर्णय लेना है और किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना है, और अगर नीचे के प्राइस में कभी भी करेक्शन दिखाता है तो वो मार्केट के करेक्शन के साथ ही इसमें करेक्शन आपको देखने मिलेगा। अगर लगता है मार्केट में करेक्शन होगा, मतलब निफ्टी में और सेंसेक्स में गिरावट होने वाला है, तो निश्चित है कि IRCTC में भी आपको गिरावट देखने मिल सकता है। अदरवाइज आपको इस लेवल से जो प्राइस अभी है उस लेवल से नीचे देखने बहुत ही कम चांस है आपको मिलेगा। तो निश्चित है कि आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।